नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जैसा आप सभी जानते हैं कि 15 जुलाई को यानी कल डॉक्टर काफिल जी के केस की सुनवाई होनी है और लगातार हम सभी मिलके सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये एक बेहतरीन इंसानियत की जो चीज़ है पूरे देश के अंदर वो दिखाई दे रही है। लगातार हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आगे आए और उन्होंने डॉक्टर काफिल जी के लिए समर्थन के लिए आवाज़ उठाई है। बहुत दिनों से ये मेरे दिल में इच्छा थी कि इतने बेगुनाह इंसान को, एक नेक दिल इंसान को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसको लेके मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश की है। एक ईमानदार कोशिश है मेरी तरफ से कि डॉक्टर काफिल जी जल्द से जल्द अपने बच्ची से मिल सकें, अपने परिवार के बीच आ सकें। इसी सिलसिले में मैं इस समय मुंबई एयरपोर्ट हूँ और अगले कुछ समय में उत्तर प्रदेश मैं पहुँचूँगा। और जहाँ तक है कि कल की सुनवाई के लिए जो भी तैयारियाँ हैं मेरी तरफ से वो मैं करूँगा। सोशल मीडिया पे एक छोटा सा विवाद चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, कुछ खास ऐसे लोग, बेरोज़गार लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई थी कि विनय दुबे चंदा जमा कर रहा है बिना डॉक्टर काफिल के परिवार के परमिशन के। तो मैं बताना चाहूँगा वो सारे सवालों के जवाब कल डॉक्टर काफिल जी का परिवार, मैं, हम लोग लाइव आके सामने से आएंगे लाइव और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बेगुनाह को छुड़ाने के लिए अगर मदद करता है तो अगर आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसका इस तरह से क्रिटिसाइज ना करें कि अपना हिम्मत खो दे। कल बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, बहुत सारे मैसेजेस आए, तकलीफ़ हुई देख के कि बिना कोई मेरा उसमें रुचि रहे, लोग कहते हैं कि मैं चंदा से घर चलाता हूँ। वो भड़वों को बोलना चाहूँगा मैं, जो इस तरह के मैसेजेस चला रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि ज़रा एक बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर ले, वहाँ पूछे विनय दुबे की जो गाड़ी वहाँ पे अभी भी सड़ रही है वो कितने कीमत की है। और जितना ये लोग चिल्ला रहे हैं ना, उससे ज़्यादा की कीमत की गाड़ियाँ अभी भी पुलिस स्टेशन में मेरी सड़ रही हैं। कितनी ही चीज़ें यहाँ वहाँ हुई हैं लेकिन कभी भी मैंने इस तरह की राजनीति या इस तरह की, बोलते हैं ना, एकदम निचले स्तर की सोच वाली काम मैंने नहीं किए। चंदे से मेरा घर चलेगा, बिजनेस क्लास ट्रेवल करता हूँ, फॉर्चूनर, सफारी, ऑडी Q7। जितना ये जो बकचोदी करते हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि ये चंदा से घर चलता है, बेटा जितना तुम्हारी महीने भर की कमाई होती है ना उतना दिन का डीजल चला जाता है गाड़ी में, ऑडी में पेट्रोल चला जाता है। आज जिस तरह से लोगों की मदद करता हूँ वो दिल की खुशी है मेरी। मेरे पिताजी बेशक ऑटो ड्राइवर हैं, वो ऑटो ड्राइवर हैं, गरीबी की हालत में परिवार ऊपर आया है, इसका मतलब मैं भी उसी स्थिति में रह जाऊं तो फिर मेरा ज़िंदगी बेकार है। आज जो भी हूं अपने पिताजी के आशीर्वाद से हूं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमने गरीबी देखी है, इसके लिए इन गरीबों से जुड़ाव है। अगर मुझे कमाना ही होता ना तो इस समय मुंबई से लाखों मज़दूर गए हैं उत्तर प्रदेश, 500-500 रुपया भी अगर लिया होता ना तो कितने करोड़ रुपये बना लिए होते हैं। कितने ही मज़दूरों को अपनी जेबों से पैसे दे दे के भेजे हैं। और अगर तुम लोग इतनी ही, तुमको प्रॉब्लम है मुझसे कि मैं डॉक्टर काफिल का आवाज़ उठा रहा हूँ, तो बेटा तुम लोग क्या उखाड़ लिया आज तक? इतने दिनों से चिल्ला रहे थे ना, आज भी डॉक्टर काफिल अंदर ही है। मुझे थोड़ी सी हताशा होती है कि ऐसे भी लोग हैं, खासतौर पर मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हैं जो कभी भी मुस्लिमों का भला नहीं चाहा। उनकी पोस्टों पर आप जाके देखोगे हमेशा वो मुझसे हिसाब मांगते हैं, मुझसे चीज़ें ऑब्जेक्शन लेते हैं, लेकिन कभी भी पीएम केयर्स पर आवाज़ उठाते उनको नहीं देखा मैंने। प्रधानमंत्री जी इस तरह से देश को पीएम केयर के नाम पे पैसे लिया, हिसाब देने के लिए कार्रवाई बंद कर दिए, उनके लिए कभी पोस्ट नहीं देखी उनकी कि वो मोदी जी से सवाल पूछें। वो विनय से सवाल पूछेंगे क्योंकि वो डॉक्टर काफिल के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये यही वजह है आज जो मुस्लिम समाज इस तरह से टूटा हुआ है, क्योंकि उनके खुद के लोग नहीं चाहते हैं डॉक्टर काफिल बाहर आए। अगर इनकी इतनी औकात होती ना दूसरे पे उंगली उठाने की तो ये खुद कर लिए होते, लेकिन आज भी वो सोशल मीडिया पे दूसरों की पैर खिंचाई करते हैं। तुम लोग मेरा पैर इसके लिए खींच पाते हो
क्योंकि मेरा पैर तुम्हारे हाथ में है। विनय दुबे अलग है और मैं अपनी चीज करता रहूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन क्या कहता है। डॉक्टर काफिल का भी परिवार अगर साथ में रहे न रहे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जो संकल्प लिया है कि डॉक्टर काफिल को बाहर निकालने के लिए जो भी मैं करूँगा कर सकता हूँ वो करूँगा। मैं किसी से नहीं डरता ना किसी से, मेरा मैं किसी को खुश करने के लिए काम करता हूँ। आप लोग करते रहिए अपने स्तर पर, क्योंकि इन अपराधियों से लड़ते हुए, सरकार के जिस अपराधी मानसिकता के लोगों से लड़ते हुए ना, अब मेरा भी दिमाग उतना ही आपराधिक हो चुका है। मैं भी अब उन्हीं की तरह सोचता हूँ। अगर मुझे जमानत चाहिए तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगर डिब्बे में से घी नहीं निकल रहा है तो मैं उंगली टेढ़ा नहीं करता हूँ घी निकालने के लिए, मैं डिब्बा ही गर्म कर देता हूँ और घी बाहर आ जाता है। जिनको भी लगता है ना विनय दुबे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, उनको बोलना चाहूँगा मेरा इतिहास उठा के देख लो। मेरा इतिहास आज तक का रहा है, मैंने इम्पॉसिबल चीजें ही की है। जब महाराष्ट्र में लोग डरते थे कि महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे जी कभी भी उत्तर भारतीय के मंच पे बात नहीं कर सकते, भैया लोगों से बात नहीं कर सकते, विनय दुबे अकेला इंसान था जो राज ठाकरे जी साहेब के घर में बैठ के उनको अपने मंच तक लेके आया। मैं हमेशा से वही चीज़ें करता हूँ जो इम्पॉसिबल लगती है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपको बहुत, आपके पिछवाड़े बहुत दम है ना, कुछ उखाड़ने की औकात है ना, निकाल लो डॉक्टर काफिल को। मैं बैठता हूँ 15 दिन घर पे, लेकिन 16 दिन से लेके 26 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर काफिल बाहर होगा, चाहे जैसे हो, मुझे जो करना पड़े मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कौन क्या क्रिटिसाइज़ करता है। 36 लोग मेरे पीछे भौंकते हैं, तुम भी भौंकोगे 37वें हो जाओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको क्या लगता है ये सब फोटोज़ डाल के वीडियोज़ डाल के एडिट कोई भी कर सकता है ना मेरे नाम के? 50 आईडियाँ चल रही हैं विनय दुबे के नाम पे। मेरी ऑथेंटिक आईडी है द विनय दुबे जिस पे ये लाइव है। इससे अगर आपको कुछ निकलता है तो आप ऑब्जेक्शन लीजिए। रही बात चंदे की, धंधे की, वो कल डॉक्टर काफिल के भाई आपसे बात करेंगे लाइव मेरे साथ। आप लोगों 24 घंटे हैं हमारे पास। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएं, डॉक्टर काफिल को रिहा कराएं, और जो भी हो सकता है आज 24 घंटे हैं, बुलंदी से आवाज़ उठाएं, बहुत इसमें मदद होगी इनके परिवार को। और मैं तमाम लोगों से दुआ निवेदन करूँगा कि कृपया आज दुआओं में डॉक्टर काफिल के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगें। आप हिंदू हैं तो अपने भगवान से मांगें, आप मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह से मांगें, लेकिन आज इस इंसान के लिए पूरा देश खड़ा होना ज़रूरी है। मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश, और जो भी धमकी देते थे ना बड़वे, उत्तर प्रदेश आके दिखा, दिल्ली आके दिखा, राजस्थान आके दिखा, बिहार आके दिखा, आ रहा हूँ, उखाड़ लेना जो उखाड़ना है, तुम्हारे बाप से नहीं डरता मैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।